Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Reedy College, University of Allahabad. And this time, I am going to touch a new topic, that is Western philosophy and its characteristics, or you can say characteristics of Western philosophy. यानी कि पाश्चात्य दर्शन की विशेषताएं या विशेष गुण या विशिष्ट लक्षण है ना. तो इंडियन फिलोसफी को देखिए, मैंने एक सेपरेट वीडियो इंडियन फिलोसफी पे है. फिलोसफी इन जनरल पे मैंने बात की है आपसे, जिसमें मैंने ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी की बात की है, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी, एथिक्स एंड एस्थेटिक्स. लेकिन वेस्टर्न फिलोसफी की कैरेक्टरिस्टिक्स वाला इश्यू रह गया था. और इसके बाद एक आपसे बात होगी इंडियन और वेस्टर्न फिलोसफी के बीच में मेजर डिफरेंस क्या है. तो फिलहाल वेस्टर्न फिलोसफी को जानते हैं, पाश्चात्य दर्शन. तो हम समझ रहे हैं कि इसकी, हम ये नहीं आपसे डिस्कस कर रहे हैं कि फिलोसफी जो है वो फिलो प्लस सोफिया है, लव फॉर विजडम है, फिलोसोफर लवर फॉर विजडम है, ये हम आपसे बात नहीं कर रहे हैं, एवरीबडी नोज. तो वेस्टर्न फिलोसफी का अगर हम क्रमवार अगर उसका वर्गीकरण करना चाहें तो हम पाएंगे कि वेस्टर्न फिलोसफी को चार मुख्य काल में बांटा जा सकता है. कौन कौन सा है? एंशियंट फिलोसफी, जो प्लेटो सुक्रात से शुरू होती है, फिलोसफी फ्रॉम थेल्स टू एरिस्टोटल, ग्रीको रोमन फिलोसफी, नियो प्लेटोनिज्म ऑफ द अलेक्जेंड्रियल स्कूल है ना. फिर मेडिवल फिलोसफी आती है जिसको स्कॉलेस्टिसिज्म भी कहा गया है, ये 5वीं से 15वीं शताब्दी के बीच का समय है. मॉडर्न फिलोसफी जिसमें रेनेसा है, पुनर्जागरण फ्रॉम 15th to 17th century, द पीरियड ऑफ इनलाइटनमेंट जो कहा जाता है, लॉक से लेके कांत के बीच का समय, जर्मन फिलोसफी फ्रॉम कांत टू हीगल. और अब कंटेम्प्रेरी फिलोसफी चल रही है 1860 से प्रेजेंट टाइम तक, ये कंटेम्प्रेरी फिलोसफी है. अब आते हैं इसके विशिष्ट लक्षणों पर, तो एक एक करके बात करते हैं. जो वेस्टर्न फिलोसफी है वो स्पेक्युलेटिव इन नेचर है. देखिए आप स्पेक्युलेटिव को देखेंगे हिंदी में तो आपको मिलेगा काल्पनिक, परिकल्पनात्मक, इस तरीके के नाम मिलेंगे. तो कल्पनाशील है. एट इट्स हार्ट वेस्टर्न फिलोसफी इज स्पेक्युलेटिव. इट थ्राइव्स ऑन आस्किंग व्हाट इफ एंड व्हाई, मतलब हम ये कि क्या होगा, यदि, क्यों, इस तरीके के प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास है. बियॉन्ड द ऑब्जर्वेबल वर्ल्ड है ना, जो दिख रहा है संसार में उसके बियॉन्ड, टू अंडरस्टैंड द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी. यानी कि यथार्थ के अंडरनीथ, अंडरलाइंग जो सिद्धांत हैं उनको समझने के लिए, व्हाट इफ, क्या होगा, यदि, क्यों ऐसा है, इन सारे प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करती है. द स्पेक्युलेटिव ड्राइव हैज लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स ऑफ थॉट, ईच ट्राइंग टू प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन ऑफ द वर्ल्ड इन अवर प्लेस इन इट. यानी कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी, दैट इज, इट इज स्पेक्युलेटिव इन नेचर. नेक्स्ट पॉइंट, फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक की इनको तीन शाखाओं में बांटे गए, सिर्फ एक स्लाइड तक सीमित है क्योंकि इसका डिटेल में पहले भी आपसे बात कर चुकी हूँ. तो तीन मुख्य शाखाएं हैं, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा. तत्व मीमांसा आपको बताती है कि फंडामेंटल नेचर ऑफ रियलिटी एंड बीइंग. आपको पता होगा कि मेटाफिजिक्स का ही एक सब थीम है जो कि ऑन्टोलॉजी है, जो नेचर ऑफ बीइंग की बात करता है, होने का, आपके होने का की प्रकृति और रियलिटी की प्रकृति. तो व्हाट इज एग्जिस्टेंस, अस्तित्व क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज आर सेंट्रल टू मेटाफिजिकल इंक्वायरी. यानी कि आपके तत्व मीमांसा की इंक्वायरी के ये मुख्य क्वेश्चन है, मुख्य गुण है. फिर एपिस्टेमोलॉजी हमको नेचर एंड स्कोप ऑफ नॉलेज से लेना देना है, इसका ज्ञान से लेना देना है. ये हमको बताती है व्हाट कैन वी नो, हम क्या जान सकते हैं, एंड हाउ डू वी नो, हम कैसे जानते हैं, और व्हाट वी नो, और हम क्या जानते हैं. इट चैलेंजेस अवर अजम्पशंस एंड सीक्स टू अंडरस्टैंड द जस्टिफिकेशन ऑफ अवर बिलीव्स. हम जो मानते हैं उसके पीछे, भाई ज्ञान ही तो है, बिलीफ भी तो एक तरीके से नॉलेज देने का एक साधन है ना. और एक्सियोलॉजी जो हमको बताती है कि इथिक्स और एस्थेटिक्स, यानी कि नीति शास्त्र और सौंदर्य शास्त्र में बटा हुआ है और नेचर ऑफ वैल्यू पे फोकस करता है, मतलब मूल्य क्या है, इस फिलोसफी, इस दर्शन के लिए क्या मूल्यवान है, क्या सही है, व्हाट इज मॉरली राइट, नैतिक रूप से क्या सही है, क्या सुंदर है, और ह्यूमन जजमेंट का इन डोमेन में क्या रोल होना चाहिए. ये सारी बातें एक्सियोलॉजी करती है. यानी कि फिलोसफी, वेस्टर्न फिलोसफी का दूसरा गुण हुआ कि ये तीन मुख्य शाखाओं में बटी हुई है. पता है फ्रॉम नेचर टू ह्यूमन, मतलब कि शुरुआत ये नेचुरलिस्टिक होते होते ये ह्यूमनिस्टिक हो गई है वेस्टर्न फिलोसफी. अ शिफ्ट इन फोकस, वेस्टर्न फिलोसफीज जर्नी हैज सीन अ ड्रामेटिक शिफ्ट फ्रॉम अ नेचर सेंट्रिक टू अ ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच, मतलब प्रकृतिवादी से ये मानववादी की तरफ जा रही है. The pre-Socratic philosophers were deeply concerned with the composition and principles of the natural world. However, with Socrates, by his S capital hona chahiye tha, and the subsequent thinkers, the focus pivoted to human behavior, society and morality. This change marked the beginning of a new era where humans and their experiences became the primary subject of philosophical inquiry. Yani ki Socrates aur unse pehle ke darshanik prakriti pe baat kar rahe the, dheere dheere wo manav, samaj, morality par baat karne lage hain. Ye ek characteristically change हुई है वेस्टर्न फिलोसफी. फिर
इवोल्यूशन ऑफ मेटाफिजिकल इंक्वायरी. इसी तरह से मेटाफिजिकल इंक्वायरी के क्वेश्चंस में भी इवोल्यूशन आया है. मेटाफिजिक्स हैज इवॉल्व सिग्निफिकेंटली ओवर द सेंचुरीज, शताब्दियों में इसमें बहुत परिवर्तन आया है. द अर्ली मेटाफिजिशियंस पॉन्डर्ड द एलिमेंट्स एंड द कॉस्मॉस, वो ब्रह्म की ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं, तत्वों की बात कर रहे हैं, जबकि बाद के जो दर्शन शास्त्री हैं जैसे डेकार्ते और कांत, ये माइंड और मैटर के रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं. और जो मॉडर्न एरा वाले हैं वो एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस पे बात कर रहे हैं, अस्तित्व, आई एम, मैं पहले आया या विचार पहले आए, जैसे कि हेडिगर और सार्त्र, ये एग्जिस्टेंस और ह्यूमन फ्रीडम की बात कर रहे हैं. तो मेटाफिजिकल इंक्वायरी में भी इवोल्यूशन आया है वेस्टर्न फिलोसफी में. फिर इसमें स्केप्टिसिज्म है और साइंटिफिक मेथड, देखिए रैशनल है, एक पूरा रैशनलिज्म चला ही है यहाँ पे एक दर्शन, तो रैशनैलिटी पे बहुत बल है पाश्चात्य दर्शन का. स्केप्टिसिज्म मतलब हर चीज आप संशय की दृष्टि से देखिए, उसको ठोक ताल ठोक के चेक करके तब उसको मानिए. स्केप्टिसिज्म हैज प्लेड अ वाइटल रोल इन वेस्टर्न फिलोसफी, ड्राइविंग द क्वेस्ट फॉर सर्टेनिटी इन ट्रूथ, हम निश्चित कर लें कि ये बात सही है कि नहीं. The application of the scientific method with its emphasis on evidence and experimentation was a philosophical revolution in itself. It demanded a rigorous standards of proof and encouraged a healthy skepticism towards untested belief. Healthy skepticism की बात हो रही है, हर बात को काटना नहीं है. जो आपके वो belief जिनको आपने test नहीं किया उनको test कर लीजिए, उनकी certainty define कर लीजिए, उनका truth check कर लीजिए, फिर आप उसको मानिए. मतलब scientific है western philosophy, ये इसका एक मुख्य गुण है. Understanding reality a comprehensive approach. Western philosophers have often sought to understand reality in a comprehensive manner, attempting to construct grand theories that explain the various aspects of human experience. यानी कि जो Western philosophy है, वो reality को understand करने के लिए comprehensive approach अपनाती है, व्यापक इसका उपागम है. This has led to the creation of detailed ethical systems, political theories, and metaphysical frameworks. The ambition to synthesize knowledge across different fields is a distinctive characteristic of Western thoughts. यानी कि जो interdisciplinarity की हम बात करते हैं, different fields के knowledge को को सिंथेसाइज करना है, ये भी वेस्टर्न फिलोसफी का एक मुख्य गुण रहा है. और फ्रॉम एंशियंट इथिक्स टू मॉडर्न इंडिविजुअलिज्म, पहले ये इसमें नीति पे ज्यादा बात हुई और अब इसमें इंडिविजुअल, ह्यूमन फ्रीडम, एग्जिस्टेंशियलिज्म, इन पर ज्यादा बात हो रही है. द इथिकल ट्रांसफॉर्मेशंस इन वेस्टर्न फिलोसफी आर प्रोफाउंड, साफ तरीके पे देखा जा सकता है. एंशियंट ग्रीक इथिक्स विद इट्स एम्फेसिस ऑन वर्च्यू एंड द गुड लाइफ, वो गुड लाइफ की बात करते थे, अच्छा जीवन किसको कहा जाएगा, गुण क्या है, gradually gave way to modern concerns with individual rights, freedom and the social contract. Philosophers such as Hobbes, Locke and Rousseau, Rousseau ka r chota ho gaya, explored the foundations of political authority and individual liberty, marking a significant departure from the communal ethics of the ancient times, ancient philosophers. Yani ki pehle neeti pe baat hui, ab vyakti pe baat ho rahi hai. और द क्वेस्ट फॉर रेशनल अंडरस्टैंडिंग, जब साइंटिफिक है तो रेशनल तो होगा ही, यानी कि तार्किकता पर बल है. आप संदेह करिए, संदेह की दृष्टि से देखिए, चेक करके लीजिए, साइंटिफिक है ये फिलोसफी. वन ऑफ द मोस्ट परसिस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी इज द क्वेस्ट फॉर ए रैशनल अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड, यानी कि हमको संसार को तार्किक समझ से समझना होगा. द रिलायंस ऑन रीजन, तर्क पे, एज द प्राइमरी टूल फॉर अनलॉकिंग द मिस्ट्रीज ऑफ एग्जिस्टेंस हैज लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ लॉजिक पे बात होती है, क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालिटिकल फिलोसफी. एनालिटिकल फिलोसफी ने अलग से पढ़ रखा है. The intellectual rigor is what allows for nuanced debates and the continuous refinement of ideas. यानी rationality पे, logic पे, critical thinking पे, analytical philosophy पे western philosophy में बल है. तो ये कुछ मुख्य गुण रहे जो कि western philosophy की characteristic. जैसे आपसे पूछा western philosophy तो आप क्या लिखेंगे उसमें, है ना, तो आप बताइए कि western philosophy को इतने periods में बांटा जा चुका है, ऐसे ऐसे western philosophy में shift आया, वो speculative है, वो rational है, वो scientific है, वो logical है, वो analytical है, ये बताइए. फिर अगली बार मैं आपसे बात करूंगी कि इंडियन फिलोसफी और वेस्टर्न फिलोसफी में मेन अंतर क्या है. ठीक है, सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी, आई हैव डन इट. Thank you, and don't forget to like and subscribe my channel, Explore Education.